डबल मॉड पॉज। अब हम इसके ऊपर ये देखिए, ये हमारा जो है ये चीज जो है पूरी की पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दिस वन इज टोटली रेडी, ये पूरा हमारा जो है ये बनकर हमारा तैयार हो गया है। दिस वन इज रेडी। सो बीच में मुझे लगता है थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से शायद बीच में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वो चली गई थी, तो जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं मुझे उनके लिए मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि मैंने जो ये अप्लाई किया है इसको मैंने MDF जो है टी कोस्टर के ऊपर अप्लाई किया है इस चीज को, ठीक है। इसके दूसरी साइड पे मैंने वॉली आर्ट किया हुआ है, वॉली आर्ट किया हुआ है, और इसकी तीसरी साइड पे जब इसकी जो दोनों साइड इसकी अब कवर अप हो गई है यहाँ पर मैंने डेकोपाज किया है। अब ये तैयार होने के बाद जो थोड़ा सा जो एरिया रह जाते हैं उसको हम चौक कलर कर देंगे, उसके ऊपर हम चौक कलर कर देंगे सो दैट वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, बिल्कुल ही एक सार हो जाए, सारी एजेस जो है वो बिल्कुल एक जैसी लगे। तो इसके लिए हम लोग लेंगे चौक कलर। इसके लिए हम कौन सा चौक कलर यूज कर सकते हैं? दिस विल गो बेटर विद दिस, दिस इज अ क्रीमी क्रीम कलर का चौक कलर है। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट डे वाले वर्कशॉप पे मैंने बताया था हम चौक कलर कैसे घर पे बना सकते हैं। आप इसको किसी भी एक्रेलिक कलर से आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो आप किसी तरह से कोई पोस्टर कलर भी इवन आप ले सकते हैं जो इसके साथ मैच करता है, वैसा पोस्टर कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ये हमने पोस्टर कलर यूज किया है, इस पोस्टर कलर को भी आप यूज कर सकते हैं। अगेन आप इसको थोड़ा सा वो कर लीजिए, फिर इसको आप किसी भी बारीक वाला, अगेन मैं कह रही हूँ आपको बारीक वाली आपने वो लेनी है, ब्रश लेना है, बारीक वाले ब्रश को आपने इसमें आपने डिप करना है, ज्यादा नहीं लेना है, उसके ऊपर आपने इसको लगा देना है दोबारा से ताकि ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाए और ऐसा लगे कि ये इसी का ही एक पार्ट है। ये बिल्कुल इसी का पार्ट लगना चाहिए। कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी अगर आपको MDF का पीस नजर आ रहा है तो उसको आप इसके साथ बंद कर दीजिए, पोस्टर कलर लगाकर आप इसको बंद कर दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए हम सूखने को रखेंगे। अब इसको सूखने के लिए रखेंगे, जब तक हम इसको सूखने के लिए रख रहे हैं, जब तक हम इसे सूखने के लिए रख रहे हैं कि इसके सूखने के बाद हम इस पर एक और कोट करेंगे मॉड पॉज का, और उसके बाद वो सूखेगा, उसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश कर देंगे। मॉड पॉज और वार्निश लगाने से क्या होता है, जो आपका जो आपने जो चीज बनाया है वो जा, जिसको मैंने सिर्फ साइड साइड्स में जिसको मैंने किया है, और इसके लिट को मैंने पूरा लिट को मैंने डेकोपाज किया है, आई डेकोपाज दिस लिट, एंड उसके बाद मैंने इसको सिर्फ जार को मैंने किया है बिल्कुल साइड से, मैंने पूरी तरह से इसको कवर अप नहीं किया है। अब मैं इसी तरह इस जार को आपको कवर अप करके बताऊंगी जिस पर मैंने जेसो भी नहीं लगाया है, डायरेक्टली इसको अप्लाई किया है। सो ये है, दिस इज द वन। जब तक वो सूख रहा है तब तक मैं आपको इसका बता रही हूँ एप्लीकेशन। ये बिल्कुल प्लेन जार है। सबसे पहले आप इस जार को थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा इसको आप पोंछ लेंगे, इस जार को आप थोड़ा सा पोंछ लेंगे, पानी डाल लीजिए, पानी के साथ इसको आप थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, हल्का सा पानी लेके। कोई भी आप किसी तरह का भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, अपने साथ हैंडी पानी रखिए और पानी में इसको थोड़ा सा जो भी इस पे हो है ताकि इसकी शाइन जो है वो बरकरार हो जाए, इसकी शाइन आपको पूरी तरह से मिल जाए, क्योंकि एक बार बनने के बाद फिर वो उस हिसाब से जैसा आप इसको बनाएंगे, जिस तरह से आप इस सरफेस को रख रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, किसी भी तरह से कोई भी शाइन जो है उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको वॉश करना, इसको साफ करना बहुत जरूरी। देखिए अब कितना शाइनी हो गया है, ये कितनी ज्यादा शाइन आ गई है इसमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जगह बांट लेते हैं। अब हम जरा देख लेते हैं कि हमने कहां कहां कौन कौन सी जगह, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने छोटे छोटे कटिंग्स काट ली हैं, हमने छोटी छोटी कटिंग्स काट ली हैं टिश्यू पेपर्स की, जिनको हम अलग अलग जगह पर लगा देंगे, ठीक है। कोई कोई हमने यहां लगा दिया,
किसी कुछ हमने यहां लगा दिया जैसे ऐसे लग गया ये, ठीक है। उसके बाद कुछ उसके बाद यहां लगा दिया, यहां सांप के साथ लग गया, राइट, ये लग गया कुछ उसके बाद ऐसे लगा दिया हमने। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर इसके लिए हम लोग या तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, आप पॉइंट्स बना लीजिए छोटा छोटा, आप किसी भी हल्के से कलर से या किसी एक छोटे छोटे बिंदु में डाल लीजिए जहां पर कि आप इसको करेंगे, और बिल्कुल जिस जिस जगह पर आपने वो किया उस जगह पर ही आप मॉडपॉज को लगाएंगे। तो अब उसके लिए सबसे पहले क्या है, मैं इसको लेयर्स को अलग कर लेती हूँ। लेयर्स को अलग करने के लिए सबसे पहले मैं फिर दोबारा से वही प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने इस लेयर को अलग कर लिया है, ये दोनों लेयर अलग हो गए हैं, ये व्हाइट पोर्शन को मैंने अलग रख दिया है, ये दिस इज द व्हाइट पोर्शन। अब जो जो मुझे चाहिए, जो जो मुझे चाहिए वो ही मैं ले लूंगी, और उन्हीं से मैं यहाँ पर उन्हीं के मैं लेयर्स निकाल लूंगी जो मुझे द थिंग्स विच आई नीड। ये भी ये देखिए ये निकल गया हमारा, ठीक है ना, ये तीन इसके हिस्से निकल गए, इसको भी मैंने अलग से रख दिया। अब मैं ले रही हूं, मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। अब इसका भी मैंने लेयर निकालना है, जरूरी है लेयर निकालना, लेयर को मैंने निकाल दिया, ये भी दो लेयर निकाल दिए, तीन लेयर इकट्ठा। अब ये तीन मेरे पास हो गए हैं, लेट मी डू, पहले मैं तीनों से करके देखती हूँ, उसके बाद अगर मुझे जरूरत लगे, उसके बाद मुझे अगर लगे कि हाँ थोड़ा और जरूरत है तब मैं दो तीन और करूंगी, लेकिन उससे पहले जब तक मुझे लगे कि मुझे जरूरत नहीं है, शायद तीन में ही मेरी बॉटल अच्छी लगे, सुंदर लगे, देखने में मेरा जार अच्छा लगे, तो मे बी मैं और ना लू। तो बट सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि मुझे कितनी जरूरत है, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा से वही मैंने जो आपको कहा बारीक वाली आपने वो ले लेनी है, क्योंकि इसमें जो है वो बारीक राउंड ब्रश ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर ही हमने इसको मॉड पॉज ग्लू लगाना है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉड पॉज ग्लू को अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे हमने मॉड पॉज ग्लू अप्लाई कर दिया है। अब हमने एक हिस्सा ले लिया है, एक हिस्सा लेकर इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम मॉड पॉज ग्लू से इसको पूरा सील कर देंगे, इसको हम पूरा सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड पॉज ग्लू, इसको हम पूरा सील करेंगे अभी हम। ये एक साइड पे हमने लगा दिया है मॉड पॉज ग्लू, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है जी, देखिए ये लग गया। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरी साइड के लिए अब हमने ये साइड ले लिया, इस साइड पे भी हम थोड़ा सा लगा लेते हैं मॉड पॉज, इस साइड पे भी हम मॉड पॉज लगा लेते हैं, ऐसे लगाकर यहां पर भी हमने एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने उस समय किया था, उसी तरीके से बिल्कुल हम इसको भी हम ग्लू कर देते हैं, इसको भी हम ग्लू कर देते हैं, ये भी हमारा ग्लू हो गया, ठीक है जी। ये हमारा दूसरा बन गया, दूसरी साइड भी हमारी हो गई, इस तरह से हमने कर दिया, यू कैन सी दिस वन आल्सो, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम तीसरी साइड लेते हैं, तीसरी साइड हमारी रह गई है, तीसरी साइड में हम ये जो हमने फ्लावर लिया था, हम इस फ्लावर को सरफेस पे हमने लगा लिया, जो हमारा सरफेस है, ये जो जार है इसके ऊपर हमने मॉड पॉज लगा दिया। अब हम इसके ऊपर इसको लगा देते हैं, ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर इसको लगा देंगे, और ये भी हमने बंद कर दिया,
ये भी हमने बंद कर दिया, राइट? यू कैन सी, राइट? ये हमारा जो है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट सुंदर सा जार तैयार हो गया। इसके ऊपर जो लिड है, हमने इस लिड को लगा दिया। इस लिड को लगाकर ये पूरा का पूरा हमारा जो है, दिस जार इज रेडी। दिस डेकोपाज जार इज रेडी। कोई और भी है मैम? डेकोपाज जार इज रेडी। हमने इस जार को रेडी कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको लगता है कि बीच में थोड़ी जगह खाली है, बीच की जगह वो भी हम भर सकते हैं, तो आप दोबारा से आप छोटे छोटे पीसेस लेकर, कोई छोटा सा कोई पीस आप ले लीजिए, उसको भी आप बीच में से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं जो है पत्ते, कौन है, मैं जो है पत्ता ही यूज कर सकती हूँ। आई कैन यूज दिस लीफ लीफ को ही मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास लीफ है, मैं पहले लीफ को कर लेती हूँ छोटे छोटे करके। मैं यहाँ पर लीफ यूज कर रही हूँ। लीफ को भी अगर दोबारा से हमने, इसके भी हमने जो है बीच में से इसके परत निकाल लेनी है एज इट इज। इसको भी हमने खोल लेना है अच्छी तरह से। आप कोशिश करेंगे, अगर नेल्स हैं आपके पास, विद द हेल्प ऑफ द नेल्स यू कैन ओपन इट अप प्रॉपरली। इफ यू डू नॉट हैव नेल्स देन थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है आपको, बट एनीवे कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई ये आ गया हमारा, ये हमारा जो है, ये पत्ता जो है, ये हमारा निकल के बाहर आ गया, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे वी डोंट नीड एनीथिंग मोर। ज्यादा करेंगे तो बड़ा ऑब्वियस, बड़ा वो हो जाएगा, ओपरा सा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, दिस इज नाउ रेडी, दिस इज नाउ डन। अब हमने क्या किया था, जो हमने पिछला जो हमने किया था, अब हम इसको बंद कर देते हैं। पोस्टर कलर को हम बंद कर देंगे, बिकॉज इट इज ऑफ नो यू, हमें अब यूज नहीं करना है, हम इसको बाद में यूज करेंगे, इसलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं, इस पोस्टर कलर को। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने बनाकर रखा था, अब ये हमारा पूरा सूख चुका है, ये पूरा सूख चुका है। अब इसके आप, इसके ऊपर अब हम दोबारा से एक कोट जो है वो मॉड पॉज की लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से हम वार्निश करेंगे। हम इसके ऊपर एक कोट मॉड पॉज की दोबारा से क्यों लगाएंगे, ताकि वो सील हो जाए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरी तरह से हमारा सील हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल ही आप धोइए इसको, कोई भी कुछ भी कीजिए इससे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम एक दोबारा से एक और ब्रश ले लेते हैं, इस ब्रश की सहायता से इसको पानी से अच्छे से धो लीजिएगा ब्रश को। ये देख लीजिए कि ब्रश में बिल्कुल भी प्रीवियस कलर जो है वो ना रहे। अगर प्रीवियस कलर रहेगा ब्रश में, तो इससे क्या होगा, आपके जो टिश्यू है उसके ऊपर मॉड पॉज के साथ साथ वो कलर भी स्प्रेड हो सकता है। अब आप इस पे दोबारा से एक और कोट मॉड पॉज का लगा दीजिए, पुट अनदर कोट ऑफ मॉड पॉज ओवर इट। आराम से इसको एक और कोट मॉड पॉज का आप लगा दीजिए इसके ऊपर। राइट, लाइक दिस। ये पूरी तरह से सील हो जाएगा आपका, टोटली इट विल गेट सील्ड। आपको किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये जब ड्राई हो जाएगा, इसके ऊपर से हम वार्निश की एक लेयर लगा देंगे। विल अप्लाई अ लेयर ऑफ वार्निश ओवर इट।
लीजिए, दिस इज हाउ इट इज रेडी। नाउ आप इसको ड्राई करने के लिए रख दीजिए। व्हेन इट विल ड्राई, ये जब ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें एक लेयर वार्निश की लगा देंगे, तो अब ये पूरा हो जाएगा। सो ये था वुड के ऊपर कैसे हमने यूज किया है इसको, पोस्टर को। अब सेकेंडली हम लोग, अब एक छोटा सा मैं आपको लिड बनाना सिखा रही हूँ। लिड के ऊपर भी हम लोग किस तरह से मॉड पॉज कर सकते हैं। कोई भी लिड आप ले लो, आप जैम की शीशी होती है, जैम की शीशी का जो लिड होता है उसको आप ले सकते हो, और एल्स यू कैन टेक एनी अदर लिड। मैंने यहाँ पर ये जो छोटे अंकल जैक्स की जो बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल की मैंने ये लिड ले लिया है। उस बॉटल के लिड, ये देखिए वो बॉटल मैंने बनाकर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉटल तैयार किया हुआ है पूरा का पूरा बॉटल। इस बॉटल को भी मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगी, और यहाँ पर ये लिड भी है, ये लिड बनाई हुई है। अब हम इस लिड को बनाएंगे, ठीक है जी। अब वही जो अप्लाई करना था, वही सेम चीज अप्लाई करनी है। अब हमने पहले ही जो मैंने आपको बताया था कि पहले आपने इसको जेसो कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इसको जेसो करके रखा है ताकि हमारा टाइम जो है कम कंज्यूम हो। अब इसके ऊपर जो है मैं डेकोपाज की एक लेयर लगाने वाली हूँ, ठीक है जी। ये अब ये आप किसी भी तरह से छोटा सा ही चाहे कटिंग कर लीजिए, छोटा सा ही कटिंग ले लीजिए। उसके बाद आप इसको, आपने देखना है कि कौन सा आपको हिस्सा चाहिए, ठीक है, आपको कौन सा हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा आप लेकर उसको आप गोला कर लीजिए। पहले एक पेंसिल दी थी आप, गोला कर लीजिए, ठीक है जी। हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल आप इसको रखिए, और इसके नीचे गोले से आप थोड़ा सा ज्यादा लेकर, ताकि उसके एजेस को भी आप पूरी तरह से कवर अप कर सको, ऐसा करके आपने, ताकि इसके एजेस को भी आप कवर कर सकें। आप थोड़ा देख लीजिए कैसे करना है। आप इसको राउंड पे ले लीजिए, ठीक है, ओके। ये आपको नजर आ रहा होगा, यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक राउंड ले लिया है। ये वाला राउंड जो है, ये मैंने राउंड एक पेंसिल से लिया है। अब इसको मैं सीजर से कट करूंगी। नाउ आई विल कट दिस विद द हेल्प ऑफ अ सीजर। सीजर की सहायता से अब इसको मैं कट करूंगी। अगेन आप देख लीजिए, सीजर जो है वो आपका बड़ा वो होना चाहिए, बिल्कुल भी अगर इसमें कोई किसी तरह का कुछ वो है तो आप सैंड पेपर की सहायता से उसको साफ कर सकते हैं। सीजर को आप साफ कर लीजिए। सीजर आपका जो है वो बहुत शार्प होना चाहिए, सीजर आपका बहुत शार्प होना चाहिए, उसको आप किसी भी उसके सहारे से कट कर लीजिए, ठीक है। आप टिश्यू पेपर को अच्छे से कट कर लीजिए, अच्छे से कट कर लीजिए। राइट, अब हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद जो पोर्शन बचा है उसको हम अलग से रख देते हैं, उस पोर्शन को हम अलग से रख देते हैं। अब उसके बाद अगेन जो मैंने आपको बताया था वही सिस्टम है, आपने सारे लेयर्स कट कर, लेयर्स निकाल देने हैं बाहर, तीनों लेयर्स बाहर निकाल लेने हैं आपने। ये तीनों लेयर्स आपने बाहर निकाल दिए। ये रखविंदर कौर मैम को मैं देख पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ उनकी, उनको पढ़ पा रही हूँ उनके नाम को। उन्होंने शायद वीडियो ऑफ कर रखे है। वेलकम रखविंदर मैम, वेलकम टू आर्ता स्टूडियो, द विजन ऑफ एमिनेंट आर्टिस्ट सुनील मल चैटर्जी। तो आप थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है, मैं डेकोपाज के अब आपको टेक्निक्स बता रही हूँ। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द वर्कशॉप। तो ये आपने अब इसके ऊपर
हमने इसको लगाना है, इसको अप्लाई करना है हमने इसके ऊपर, इस लिड के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। अब आप इसके ऊपर पहले, सबसे पहले तो हम इसको मॉड पॉच ग्लू लगाएंगे। मॉड पॉच ग्लू लगाएंगे सबसे इसके ऊपर हम लोग, ये लगा रही हूँ मैं मॉड पॉच ग्लू। मॉड पॉच ग्लू बनाने का तरीका मैंने आपको मेरे फर्स्ट वर्कशॉप में ही मैंने आपको सिखाई थी, हाउ टू मेक अ मॉड पॉच ग्लू एट होम। मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं, बट मैं यूज कर रही हूँ घर से बना, घर में जो हमने फर्स्ट डे वर्कशॉप में हमने जो मॉड पॉच ग्लू बनाया था, आई एम यूजिंग दैट ग्लू ओनली। उसके बाद ये हमने जो कटिंग काटी थी उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। और इसके ऊपर आपने बहुत सावधानी से लगाना है कि किसी भी तरह की कोई रिंकल ना पड़े। इसको आप अच्छे से उठाइए और बहुत अच्छे से इसके ऊपर आप इसको प्लेस कर दीजिए। उसके बाद इसके एजेस में इसको आपने प्लेस कर दिया, किसी भी तरह की कोई रिंकल नहीं पड़ा। अब इसको पीछे से भी आप इसको दबाते जाइए। इसको आपने पूरा अच्छे से दबा दिया। इसको पूरा अच्छे से दबाने के बाद इसका देखिए आप, इस तरह का ये पूरा ऐसे शेप आ गया। ठीक है, ये द लिड इज रेडी, योर लिड इज रेडी। लेकिन अब क्या है, इसके साइज में वाइट पोर्शन हमारे को नजर आ रहा है, तो हम, आपकी मर्जी है, आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, ये बुरा नहीं लग रहा देखने में। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप चौक कलर से या पोस्टर कलर से, या जो मेरे घर में चौक कलर बनाना सिखाया था उस कलर के साथ आप इसके एजेस को कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है लिड तैयार हो गया है। ये जब जैसे ही सर्कुलर, ये जैसे ही ठीक हो जाएगा, ये लिड जैसे ही तैयार हो जाएगा, तब उसके बाद जो है हम इसके ऊपर दोबारा से एक सेकेंड कोट ऑफ मॉड पॉच को लगाएंगे। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर हमारा जो है वो बन जाएगा। इज इट ठीक है जी। अब ये जो हमने पहले ही बना लिया था, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमने पहले ही बनाया हुआ था, अब इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब हमने मॉड पॉच, इसके ऊपर अब हमने मॉड पॉच को लगाना है। ये हमने मॉड पॉच लगाया था, अब हमने मॉड पॉच लगाने के बाद दो तीन घंटे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो इसलिए मैं इसको वार्निश करके आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। आई एम जस्ट वार्निशिंग इट। उससे पहले जो ये वाला पोर्शन था इसको मैं मॉड पॉच करती हूँ, सेकेंड कोट ऑफ मॉड पॉच। सेकेंड कोट ऑफ मॉड पॉच मैं लगा रही हूं। सेकेंड कोट ऑफ मॉड पॉच में लगा रही हूं। इसको लगाकर मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है। आई एम जस्ट कीपिंग इट। अब ये हमारा जो है, ये हमारा हो चुका है, इसके ऊपर अब मैं वार्निश करूंगी। आई विल यूज द वार्निश। यहाँ पर मैंने कैमल का वार्निश लिया है, आप इसको किसी भी उस पर डाल लीजिए इस वार्निश को। आप अगर कहीं पर इसको डाल लेंगे उसके बाद इसको करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। इट विल बिकम अ इजी प्रोसेस फॉर अस। इसको आप उसके बाद यूज विथ योर ब्रश, एक ब्रश ले लीजिए। उस ब्रश में आप देख लीजिए कलर ना हो, कलर बिल्कुल भी ना हो उस ब्रश में, उसको आप अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। उसके बाद आप इस पे वार्निश को लीजिए और इसके ऊपर वार्निश करते जाइए।
ये वार्निश करने से ये पूरा आपका जो है तैयार हो गया। Your thing is ready। अब ये जब सूख जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरह से हमने ये जो ग्लास वो बनाया था, हमने ये जो जार बनाया था, इस जार के ऊपर भी हम उस जगह पर जहां जहां पर ये लगे वहां वहां पे हम इस पे वार्निश कर देंगे, वहां वहां पर हम इसको वार्निश कर देंगे। वहां वहां पर हम इसको वार्निश कर देंगे, राइट एग्जैक्टली। या पार्डन मैम, आई एम यूजिंग कैमल पिक्चर वार्निश। यू कैन यूज एनी वार्निश, इवन एशियन पेंट्स वार्निश यू कैन यूज, यू कैन गेट इट फ्रॉम द हार्डवेयर स्टोर। यू Yeah, it's better if it, if either you just put it in the lid or you just put it in the palette or you put it in some bowl, right? And then you dip your, and your brush should be a flat one. Use a flat brush and then varnish it. Then put the varnish over it and after that keep it for drying at least for 2 to 3 hours. If you keep it for drying for 2 to 3 hours, after 2 to 3 hours it will take its shape. And then it will not go in because it will have a coating. It will just block the thing. Now, we are putting the varnish only on that paper. You are not putting fully. Is it okay? No, I am putting it on the paper because I have not done the decoupage fully on this jar. But on this, as far as this one is concerned. It will look neat. No, nothing. It will just merge with your texture. Mama, can I use those glass jars to store anything in the house? Can I use it for any storage in the kitchen? Any pulses? Yeah. Anywhere. You can use it. Yes, of course. You can wash it, ma'am. You can wash it. That is why we are putting this second coat of Mod Podge. With the second coat of Mod Podge, it will be totally, the thing will be totally blocked. So there will be no bleeding, no leakage. Each coat of Mod Podge, how much time? At least for 1 hour you keep it for drying. Because for 1 year, yeah, it will be better because we don't have much time now today, so that is why I'm not giving much time for drying, right? So otherwise, if it's better if you keep it for dry at least for 1 hour. After 1 hour, I can just show you the things which I have already made. This is the one. This is a plate. This is a melamine plate. It was just nothing was there. So I just used this plate to make a wall decor, isn't it? So I have just varnished it. I have just made it. I have just decoupaged it. I have put two layers of Mod Podge over it, and even now I can wash it. I can do anything, whatever I feel like with it. Now it has become permanent, exactly just like a painting. It has taken the shape of a painting. And then secondly, you can use these chocolate boxes. This is a chocolate box. This is a simple chocolate box. You are having like this kind of a box, like butter cookies box we are having. Sometimes we have at home, Diwali वगैरह में हमको मिल जाती है कई बार. So yeah, I have decoupaged with this also. Even this is also has become very very durable. It will also not this thing will do not do any harm, right? So it has become like this. You can even wash it. Decoupage paper, ma'am, you can buy ready-made also, ready-made tissue papers you can buy, or you can do in our WhatsApp. Sometimes what happens, there are so many messages comes, the good morning and good night messages, and over that we get number of very beautiful pictures. Okay, we can just take out the printouts from those. These are the printouts I have taken, right? Okay.
You can take out the printouts, but in this case, what you have to do when you apply it on it, so first of all, you have to spray water on over it. If you don't have the spray, you just take a sponge, dip the sponge in water, then squeeze the sponge totally, and then apply the sponge over this paper. Then the paper will become thin, so you'll be able to apply it easily on this. I have used this much, even the wallpaper. With the wallpaper, I have done this decoupage. This box, I have done with the wallpaper. Gift wrapper. Sometimes the gift wrappers, your children get the gifts and all. So with the help of these gift wrappers, also I have got one gift wrapper. Yes, this is a gift wrapper. Even you can do with gift wrap. Whatever you feel like, you can do decoupage with it. Yeah, when you are doing it with the tissue paper, then you just make sure the tissue paper has three layers. It is known as decoupage tissue papers. Otherwise also we get the tissue papers for wiping our face, for wiping our hands and all, even for kitchen purposes we can get many tissue papers from market. But the decoupage tissue papers this is the only difference between those tissue papers, that these decoupage tissue papers have three layers. So if you go to the market and ask for the tissue paper, then ask them to give you the decoupage tissue paper. Okay. Right? So with that you can do. Okay, and Mod Podge, you missed the first this in workshop of ours. In first workshop, I just taught you how to make gesso, then the Mod Podge at home. For gesso, what you have to do, you have to take equal proportions of plaster of Paris or a baby powder, Johnson's or whatever you can use. With that, again, then take two teaspoons of white glue, that is Fevicryl or Fevicol, whatever you feel like, and then after that, I just taught you how to apply this decoupage. So I think all of you have liked today's workshop, this 3 days, consecutive 3 days workshop you have enjoyed. So now what I'm telling you, that please make things at home, which I have told you, the way Artha Studio has taught you. Try to make the things accordingly, uske hisab se banaiye, aur hamare WhatsApp number par aap zarur bhejiye hamare ko, jisse aapki hame pata chale ki humne jo aapko bataya hai, humne jo aapko sikhaya hai, वो कितना ज्यादा फ्रूटफुल रहा, आप लोगों ने कितना उसको एंजॉय किया, कितना आप लोगों को वो चीज पसंद आई. सो यू जस्ट मेक द थिंग फॉर अस, एंड इफ यू सेंड इट अस टू आवर मेल्स, तो हमें बहुत खुशी होगी. इस आर्था स्टूडियोज 172@gmail.com यही हमारा जो है हमारी मेल आईडी है. तो उसमें आप हमारे को भेज सकते हैं, आप हमारे को भेजिए. हम आपको उसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम अगर आपको किसी तरह से कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, हम आपको गाइडेंस भी देंगे. हमने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो, यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन आवर फेसबुक पेज, यू फॉलो आवर फेसबुक पेज, लाइक आवर फेसबुक पेज, सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस. इसके बाद हम जो नेक्स्ट वर्कशॉप आपके सामने लेके आने वाले हैं, दैट इज अ होली वर्कशॉप. उसके साथ हमारी होली की कॉम्पिटिशन्स भी लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आपको पोइट्री, म्यूजिक और पेंटिंग के कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें आप 3 एज लिमिट्स है हमारी, 4 to 8 ईयर्स, देन 9 to 13 ईयर्स, एंड 12 ईयर्स, देन 13 to 15 ईयर्स. ये 3 एज ग्रुप में हमारा जो है होली के कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें आप पोइट्री, म्यूजिक, उसका भी हम आपको लिंक वो भेजेंगे, सारा कुछ, सारा इंफॉर्मेशन, एवरी डिटेल्स विल सेंड यू. सो कीप एन आई ऑन आवर फेसबुक पेज, एंड देन विल बी कमिंग बैक अगेन विद द होली वर्कशॉप.
होली वर्कशॉप में इट विल अगेन बी ऑफ 3 डेज वर्कशॉप, डेट्स विल बी इंटीमेटेड टू यू, जिसमें हम आपको टाई एंड डाई के वेरियस टेक्निक्स बताएंगे। ये जो आप बांधनी की चुन्नियां पहनते हैं, इसको आप बिना बांधनी के आप कैसे घर में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली फैब्रिक पेज, किस तरह से आप उनको बांधनी बिना उसके बना सकते हैं, ये हम लोग आपको सिखाएंगे। ऑल दीज टेक्निक्स विल टीच यू, देन विल टीच यू हाउ टू मेक द होली कलर्स, घर में कैसे आप होली कलर्स बनाएंगे सिर्फ घर के रंगों के साथ, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ, ऑर्गेनिक बनाने के लिए आप किस तरह से घर में ही बनी रखी हुई चीजों के साथ आप कैसे होली कलर्स बना सकते हैं, देन किस तरह से आप छोटे छोटे बच्चे भी होली की मिठाई बनाकर अपनी खुशियां वो कर सकते हैं, बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं। विदाउट फायर भी हम लोग सिखाएंगे आपको किस तरह से होली की मिठाइयाँ जो है वो बन सकती हैं हमारे लिए। सो ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे इन द होली वर्कशॉप, वो भी हमारा 3 डेज का कंसेक्यूटिव वर्कशॉप होगा जिसकी डेट्स आपको इंटीमेट कर दिए जाएंगे। सो कीप एन आई ऑन आर फेसबुक पेज टू गेट अपडेटेड फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो फॉर टुडे आई एम टेकिंग योर लीव, सो बाय फॉर नाउ एंड बी कनेक्टेड टू आर हार्ता स्टूडियो फेसबुक पेज, be connected with us, be a part of our of Artha family, and I'm really very happy and really very thankful for you all, those who have supported me, those who have cooperated for all these 3 days and made this 3 days workshop a real success. Thank you and bye for today.